दोस्तों, आपका गोपाला जी का नमन। नाम की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है, जप की बात आती है, तब दिमाग चकराने लगता है कि व्यक्ति क्या करे और क्या छोड़े। ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, कैसे कर ले, कितना कर ले, कब कर ले, समझ में नहीं आता। बुद्धि चकराने लगती है क्योंकि इतना जटिल विधान है पूजा पाठ का, क्या करें ऐसे में। देखिए, मैंने हमारे जो हमारे अध्यात्म हमारे गुरु हमारे आध्यात्मिक सद श्री अद्वैत आचार्य जी महाराज, इनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। देखिए, अकूत भंडार है, मैं बार बार कहता हूँ, ज्ञान के लिए, अध्यात्म के, और सरलीकरण किया चीज़ों का। इसको मैंने अपना बना के, अपना करके, पहले अपनाया इसको जीवन में, और जीवन में अपनाने के बाद में जगह जगह दिया इसको, लोगों को अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इसमें एक तो सरल है, और दूसरा इसमें लगता है व्यक्ति को कि उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं। और जहां पे आपको पता है कि स्वार्थ वाली बात आती है, जहां व्यक्ति को लगता है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है, तो वो काम करने लगता है। चाहे अगर उसको बोलोगे सर के बल खड़ा होना है तो खड़ा हो जाएगा, उसको भले एक टांग पे खड़े होकर पूजा करनी है तो अपने स्वार्थ के लिए करने लगेगा वो। और अगर वैसे कहिए कि धर्म कर्म करे, पूजा पाठ करे, तो नहीं करेगा, जल्दी आस्था पैदा नहीं होगी। तो मैंने हनुमान जी का दिया और रामचंद्र जी का दिया, दो के अलावा कुछ नहीं है। सनातनी है तो राम का ही नाम लूंगा मैं। हनुमान जी की बात आती है, देखिए भौतिक सुखों को देने वाले कलयुग में अगर कोई देवी देवता है तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसका फिर मैं बार बार, मैंने कई वीडियो कल कई ऑडियो दिए, पर्सनली व्यक्तियों को बताया कि हनुमान जी से संबंधित कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो बीज है, चाहे वो हनुमान जी का कोई मंत्र है, चाहे हनुमान जी का नाम है, चाहे हनुमान जी का कोई स्तोत्र है, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे हनुमान दशक है, चाहे हनुमान बाहुक है, चाहे बजरंग बाण है, कुछ भी है एक्सपाइसिट। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भक्त है और वो कर रहा है इसको, और वो सीताराम का जाप नहीं करता उसके प्रारंभ में और उसके अंत में, तो एंग्जाइटी बढ़ने लगेगी, गुस्सा बढ़ने लगेगा, इरिटेशन बढ़ने लगेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगा व्यक्ति में, उसमें उसमें रेस्टलेसनेस बढ़ने लगेगी। या आप आजमा के देख लें, आप स्टेटिस्टिकली एनालाइज करें, 100 लोग देखें आप कि जो हनुमान जी का पाठ करते हैं उनका व्यवहार कैसा हो गया। ये निश्चित है कि जो भौतिक सुखों की कमी है वो नहीं होगी। तो मैंने एक बहुत सरल सा मैंने बताया हनुमान जी के 12 नाम वाला, हनुमान जी के 12 नामों को जप कैसे करें। देखिए, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। सुबह उठते हैं तो नाम ले लीजिए, और रात में जब सोने जाते हैं तो 12 नाम ले लीजिए, बस इतना एक बार करके तो देखें, स्टार्ट तो करें एक बार, श्री गणेश तो करें, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, ना हो तो मुझे आप आके कहें, मैं अपने आप को धराशायी मानूंगा। सोते समय, उठते जब रात में सोते जाते हैं तब, और जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले याद हो जाएगा आपको, 2-4-10 बार करेंगे। मैं इसको बता देता हूँ, सीता राम का संपुट लगाना है प्रारंभ में और अंत में, इसको ऐसे जपेंगे 12 नाम हनुमान जी के, सीताराम सीताराम ओम हनुमान, सीताराम 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 ओम अंजनी सुत, सीताराम 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 ओम वायुपुत्र, सीताराम 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 ओम महाबल, सीताराम 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 ओम रामेष्ट, सीताराम 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 ओम फाल्गुन सखा, सीताराम 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 ओम पिंगाक्ष, सीताराम 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 ओम अमित विक्रम, सीताराम 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 ओम उदति क्रमण, सीताराम 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 ओम सीता शोक विनाशक, सीताराम 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 ओम लक्ष्मण प्राणदाता, सीताराम 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 ओम दशग्रीव दर्पहा, सीताराम सीताराम। ये 12 नाम सीताराम का संपुट लगा के, गा के, धुन बना के, अपनी रिदम से, जैसी भी आवाज हो, जैसा भी कंठ हो आपका, ये जप है। और इसके फिर बियॉन्ड जाना है, देखिए तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ कवच को, एक कवच राम जी का। इसके बाद में कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है इसके बाद में।
इसको इसको जप के सो जाए। और फिर सुबह जब घर से बाहर श्री गणेश करते हैं, तब एक कवच हो वो छाप कर ले, बस इसमें इसमें कुछ नहीं जा रहा, कोई आपका इसमें श्रम नहीं लग रहा, कोई इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा, कोई इसको इसमें आपको अनुष्ठान नहीं करना पड़ रहा, एक टांग में खड़े होकर कोई पूजा नहीं करनी पड़ रही। कवच मैं कई बार बता चुका हूँ और कई बार लिख भी दिया है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, इसको करें दोस्तों। ये कवच है, कानन भूधर बार बयारी महाविष, व्याधि दवा अरि घेरे, संकट कोटि जहां तुलसी, सुत मात पिता हित बंधु न नेरे, राखहिं राम कृपाल तहां, हनुमान से सेवक हैं जय केरे, नाक रसातल भूतल मह, रघुनायक एक सहायक मेरे। सब तरफ से जब भाई बंधु सखा कोई नहीं रहता, तब एक नाम सिर्फ हनुमान जी का, जिसके हनुमान जी जैसे सेवक हैं, ये नाम जाप सुबह और शाम। और फिर जब घर से निकले, जब घर में वाहन में बैठे, अपने गाड़ी में बैठे, तो कवच, क्योंकि देखिए दोस्तों पता नहीं चलता व्यक्ति जा रहा है, ये विश्वास नहीं होता कि घर लौट के भी आएगा सुरक्षित है नहीं। आप देख रहे हैं आपाधापी, आप देख रहे हैं मारामारी, आप देख रहे हैं भीड़ा भाड़, तो इसके लिए एक ही कवच। प्रिवेसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा, ये मंत्र। और फिर जितना बढ़ा ले, कोई सीमा नहीं। मैं अगर करना चाहते हैं कोई, तो गायत्री मंत्र का जाप, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप जोड़ता है आत्मा को परमात्मा से, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और फिर इसके बाद में, जाप के बाद में सूर्य को अर्घ देना, जो आत्मा के लिए, जो शरीर के लिए, जो आंखों के लिए, और जो आपकी ख्याति के लिए, फेम के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए। ये इतना सा कर्म, गायत्री मंत्र का भी जाप एक अपनी रिदम बना लें, घास नहीं काटनी बस, जैसे होता ना कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः थोड़ी हूँ, तो ये नहीं कि साहब एक स्वार्थ पूरी करने, एक बार जपें। और अगर आप इसमें 5 प्रणव ओम लगा लेते हैं, तो और शुद्धता आने लगेगी और आनंद आने लगेगा। ये मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो इसको जपें, और नहीं तो ये नाम 12, ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे कार्य करें, और अपनी रिदम बना लें। मैंने कहा ना, जो फिर वो रिदम बने, तो उससे फिर आनंद की अनुभूति हो आपको। मैंने बताया ना, घास नहीं काटनी, ये नहीं कि आपको लक्ष्य पूरा करना है 108 का, या 1008 का, या 11 माला का, एक बार सिर्फ बस दिल से, आत्मा से, मन से, नाभि से लेके, तानदेन से लेके, और आपके आज्ञा चक्र तक, आपके ब्रह्मांड तक, ब्रह्मरंध्र तक गुंजन हो, नाद हो, तब आनंद की अनुभूति होगी, तब अध्यात्म का मजा आएगा आपको। ये मैं बोल देता हूँ आपको, 5 प्रणव ओम लगा के कैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम धियो यो नः, ओम प्रचोदयात्। इसमें और भी पुट जैसे लगा सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भर्गो ओम देवस्य धीमहि, ओम धियो यो नः, ओम प्रचोदयात्। जितना भी रमण करते हैं, मैंने एक और सरल सा बनाया राम का, जैसे राम जपते हैं तो पूरा राम जपने की जरूरत नहीं है, केवल रकार रा जपे, और जब माँ होठ बंद होंगे तो आपसे आप माँ तो निकलेगा ही निकलेगा। और फिर रा को ओम से मैंने कैसे जोड़ा, ये मेरी अपनी मैं करता हूं, तो ये आप करिए। मैं बता देता हूं कि रा बोलिए, और फिर आ और ऊ
नाभि से निकालिए और आप देखिए इसका अभ्यास, ये अभ्यास करेंगे तो ये आपके चक्रों में चैतन्यता पैदा करेगा, आनंद की अनुभूति करेगा, आनंद की अनुभूति देगा आपको। दोस्तों अच्छा लगता है तो गोपाला जी को YouTube में लाइक करें, फॉरवर्ड करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। करें सुने नहीं, अमल करें, अपनाएं जीवन में इसको और देखें आप कि कितने आनंद की अनुभूति।